Muggelschemmer-Ecke. Stop Listings! Namaste! Hey guys, this is Muggelschemmer-Ecke. Stop Listings! Good morning and welcome to yet another episode of TechStuff. Before you start watching the video, if you're new to the channel, don't forget to subscribe to Stuff Listings. आज की स्टार्ट करते हैं फौजी के साथ एंड यस पबजी गेम हो चुकी है इंडिया में बैन बट अब इंडिया में लॉन्च होने वाली है जल्दी ही एक नई गेम जिसका नाम होगा फौजी। फौजी की फुल फॉर्म क्या है? फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। अब देखते हैं ये गेम एक्चुअली में कैसा परफॉर्म करती है बट यस इंडिया अगर इसको लॉन्च कर रहा है एक आत्मनिर्भर मूवमेंट के तहत तो मैं पर्सनली तो इस गेम को सपोर्ट करूंगा। यस हम हमेशा से बोलते आए हैं कि सपोर्ट करो इंडियन प्रोडक्ट्स को, इंडियन गेम्स वगैरह को। अब ये जो फौजी है, नाम ऑफकोर्स यहाँ पे स्पिन ऑफ लग रहा है, पबजी के बाद पबजे आई थी, अब ये बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, फौजी भी आ चुका है बट स्टिल आई somehow feel connected because of course मैं एक फौजी रह चुका हूं। So उस हिसाब से मेरे को ये चीज अच्छी लगी। अक्षय कुमार जी और including बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में ट्वीट किया है। आई एम प्रिटी श्योर आपको इसके बारे में पता ही होगा और आपका क्या कहना है फौजी के बारे में कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें पबजी की तो टेंसेंट ने ऑलरेडी, अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ पबजी को बैन हुए बट $14 billion का नुकसान ऑलरेडी टेंशन को हो चुका है। दैट मींस यार यहां से सीधा लगता है कि इंडिया एक कितना बड़ा पोटेंशियल हॉटस्पॉट है बहुत सारी यू नो फॉरेन कंपनीज के लिए, बहुत सारी फॉरेन डेवलपर्स के लिए, बहुत सारी फॉरेन ब्रांड्स के लिए। तो यहां पे बैन हो चुकी है पबजी और $14 billion का अभी के लिए अगर नुकसान हुआ है, वी कैन ओनली एक्सपेक्ट एंड वी कैन ओनली इमेजिन कि आगे क्या होगा। अब देखते हैं क्या बनता है। पबजी हो चुकी है इंडिया में बैन, अब हमें ऑल्टरनेटिव्स तो इसके ढूंढने ही पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं सैमसंग की तरफ। सैमसंग ने फाइनली अनाउंस कर दिया अपनी सैमसंग गैलेक्सी बुक फ्लेक्स। 5G है ये, 2-in-1 कन्वर्टेबल लैपटॉप है, इंटेल के 11th जनरेशन कोर i5 और i7 प्रोसेसर्स पे ये बेस्ड है सैमसंग गैलेक्सी बुक फ्लेक्स 5G। इसकी स्पेसिफिकेशंस फीचर्स वगैरह मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। और सैमसंग की अगर बात करें तो सैमसंग ने कुछ टाइम पहले लॉन्च किया था अपना सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 5G स्मार्टफोन। अब सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 5G का एक नया कलर वेरिएंट जल्दी ही लॉन्च हो सकता है एंड इसका नाम होने वाला है मिस्टिक व्हाइट। इसके एक लाइव शॉट लीक हो चुकी है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। दिस इज व्हाट द मिस्टिक व्हाइट कलर वेरिएंट ऑफ द सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 5G इज एलिजिडली गोइंग टू लुक लाइक। आगे बढ़ते हैं नोकिया की तरफ। है नोकिया की तरफ से एक इंटरेस्टिंग न्यूज निकल के आ रही है। नोकिया बहुत सारे स्मार्टफोन्स जल्दी ही लॉन्च करने वाला है। नोकिया 9.3 प्योर व्यू, ये नोकिया 9.1 से कहानी शुरू हुई थी और इसको बार बार कंपनी डिले करे जा रही है बिकॉज ऑफ व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। उसके साथ लॉन्च होगा नोकिया 7.3 5G, नोकिया 6.3, नोकिया 2.4। नोकिया 2.4 के बारे में कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था और एक और स्मार्टफोन नोकिया 3.4, इसके बारे में भी आपको मैं पास्ट में बता चुका हूं। ये सारे स्मार्टफोन्स 2020 के एंड तक ही लॉन्च होने वाले हैं, ऐसा एक नई रिपोर्ट कह रही है। सो इफ इन केस आप एक नोकिया फैन हैं, आपके लिए एक बहुत ही वाइड पोर्टफोलियो ऑफ स्मार्टफोन्स जल्दी ही मार्केट में आने वाला है। आगे बढ़ते हैं वोवे की तरफ। एंड मैंने पहन रखी है वोवे वॉच GT2, अब इसका प्रो वर्जन जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। इसके रेंडर्स लीक हो चुके हैं, स्पेसिफिकेशंस भी लीक हो चुकी है, मैं आपको पहले दिखा रहा हूं स्क्रीन पे। दिस इज व्हाट द वोवे वॉच GT2 प्रो इज गोइंग टू लुक लाइक। 1.39 इंच की आपको मिलेगी ओलेड डिस्प्ले 454x454 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। 46mm का इसका डाया होगा या फिर 42mm का, दो अलग अलग यहां पे साइजेस में वोवे वॉच GT2 प्रो लॉन्च होने वाली है। 32MB रैम होगी, 4GB इंटरनल स्टोरेज, ब्लूटूथ 5.1 कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी और यस Huawei का जो अपना कस्टम प्रोप्राइटरी OS है वॉचेस के लिए वही आपको Huawei Watch GT2 Pro में भी देखने को मिलने वाला है। बैटरी की अगर हम बात करें तो Huawei Watch GT2 Pro में हमें मिलेगी एक 455mAh की बैटरी और ये कह रहे हैं कि ये 14 डेज एक चार्ज पे लास्ट करेगी ये घड़ी। और अगर आपको ये लगता है कि 14 डेज कुछ ज्यादा बोल दिया कंपनी ने, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं बोला। ट्रस्ट मी, ये जो मेरी घड़ी है मेरे को याद नहीं है लास्ट टाइम मैंने कब चार्ज की थी, अभी भी 50% पे है। आई कांट रियली शो यू यहां से बट आई बिलीव मैंने पिछले हफ्ते चार्ज की थी। तो वोवे की ये जो GT सीरीज की वॉचेस हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक बार इसको चार्ज कर लें और कम से कम 15-20 दिन चलाएं, आप इजीली चला सकते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मेरा हमेशा ऑलवेज ऑन ही रहता है। अब इंडिया में ये वॉच कब लॉन्च होगी ये तो अभी नहीं पता बट ये अगर हम लुक्स की बात करें तो इट्स एन इंटरेस्टिंग एंड इट्स अ वेरी गुड अपग्रेड ओवर द एग्जिस्टिंग वोवे वॉच GT2। आपको कैसा लगा ये डिजाइन कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं ओप्पो की तरफ। एंड ओप्पो का एक नया स्मार्टफोन जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। इसका नाम तो अभी कंफर्म नहीं हुआ, बट इसका मॉडल नंबर निकल के आ चुका है PECM10 या फिर PECT10। दोनों ही सेम स्मार्टफोन के अलग अलग दो मॉडल नंबर्स हैं। दोनों ही स्मार्टफोन्स में या फिर एक ही स्मार्टफोन ऑफ कोर्स ये, इसमें हमें मिलेगी 5G सपोर्ट, साथ में मिलेगा हमें 3945 mAh की बैटरी का सपोर्ट। दैट मींस आपको अगर हम कंपनी जब मार्केट करेगी 4000 mAh की बैटरी की सपोर्ट मिलेगी और 6.5 inches की डिस्प्ले होगी। अब ये स्मार्टफोन का नाम क्या है तो टाइम बताएगा, बट जैसे ही इसके बारे में मेरे को और कुछ जानकारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, I'll keep you posted on Twitter as well as on TechStuff। आगे बढ़ते हैं, कुछ TWS की बात करते हैं। तो Motorola और Lenovo, सच आयरनी हेयर, और मोटोरोला और लिनोवो दोनों ही अपने अपने TWS जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। मोटोरोला का एक अपकमिंग TWS जिसका मॉडल नंबर है SH055। अब ये कोरिया की एक टेस्टिंग लैब होती है, वहां पे सर्टिफाई हो चुका है। दैट मींस जल्दी ही हमें मोटोरोला की तरफ से एक नए TWS देखने को मिलने वाले हैं। और लिनोवो की अगर हम बात करें, लिनोवो के अपकमिंग TWS का नाम ही हो सकता है लिनोवो TWS और लिनोवो ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। ये अब ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे मैंने स्पॉट किए थे कुछ टाइम पहले, और जल्दी ही हमें लिनोवो की तरफ से ग्लोबली एक नए TWS देखने को मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं MediaTek की तरफ। MediaTek ने एक नया प्रोसेसर अनवील कर दिया है। स्मार्टफोन्स तो बहुत सारे भीड़ में अनवील होते जा रहे हैं, अब यहां पे प्रोसेसर्स का भी यही हाल होता जा रहा है। MediaTek Dimensity 1000C ये एक नया प्रोसेसर है जो कि सबसे पहले T-Mobile का जो LG Velvet 5G स्मार्टफोन है उसमें यूज किया जाएगा। LG Velvet 5G इज गोइंग टू बी पावर्ड बाय द MediaTek Dimensity 1000C प्रोसेसर। आपका ये जो MediaTek Dimensity 1000C है, इसका कंपैरिजन वैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, कुछ ज्यादा चेंजेस तो नहीं है, बट कैमरा की जो कंपैटिबिलिटी होती है यहां पे आपको इंप्रूव्ड कंपैटिबिलिटी मिलेगी। अब कौन सी कंपनीज इस प्रोसेसर को फ्यूचर में यूज करती हैं ये तो टाइम ही बताएगा, बट अभी के लिए LG इज द फर्स्ट कंपनी टू मेक यूज ऑफ द MediaTek Dimensity 1000C प्रोसेसर। और आज की वीडियो का क्विज भी आप लोगों के लिए यही है कि MediaTek का फर्स्ट एवर प्रोसेसर कौन सा था मोबाइल फोन्स के लिए। कमेंट सेक्शन में अगर आप बता पाए तो आप घने होशियार। आगे बढ़ते हैं Realme की तरफ। एंड आज बहुत सारी Realme की न्यूज है, सो हम स्टार्ट करते हैं Realme के एक एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन के साथ, दैट इज द Realme 6 Pro। अगर आप Realme 6 Pro स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज है, एक नया अपडेट आपके स्मार्टफोन पे रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है ऑफिशियली ओवर द एयर। इस अपडेट में आपको मिलेगा ऑगस्ट का सिक्योरिटी पैच एंड्रॉइड का, साथ में आपको मिलेगा स्मूथ स्क्रोलिंग फीचर और सुपर नाइट टाइम स्टैंड बाय फीचर। ऑफकोर्स जैसे मैंने आपको बोला कि OTA अपडेट आना स्टार्ट हो चुका है Realme 6 Pro स्मार्टफोन्स में इंडिया में भी, बट अगर आपके स्मार्टफोन में अभी तक ये अपडेट नहीं आया, आप अपने स्मार्टफोन के डिवाइस की सेटिंग्स मेन्यू में जाके अपने स्मार्टफोन को अपडेट कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं Realme के फ्यूचर अपकमिंग प्लान्स के बारे में बात करते हैं। सो IFA बर्लिन हो चुका है Realme का इवेंट, उसमें बहुत सारी चीजें कंफर्म हो चुकी हैं, बहुत सारी चीजें रिवील हुई और बहुत सारे लीक्स भी यहां पे कंफर्म हो चुके हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं Realme की अपकमिंग स्मार्ट वॉच सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं Realme की अपकमिंग स्मार्ट वॉच के साथ। तो Realme ने एक वॉच लॉन्च की है ऑलरेडी, ये मेरे पास Amazfit की वॉच पड़ी है, बट दिखने में Realme की वॉच ऐसा स्क्वायर शेप्ड डायल के साथ आती है, बट Realme की जो अपकमिंग वॉच होगी वो स्क्वायर शेप नहीं होगी, वो राउंड होगी, राउंडेड कॉर्नर वाली होगी, जैसी ये है राउंडेड कॉर्नर ही राउंडेड होगी, राउंडेड डायल वाली होगी, जो भी है इसको ब्लूपर से मत डालना, चलने दो। तो Realme की जो अपकमिंग वॉच होगी उसका नाम होगा Realme Watch S Pro। इसमें आपको मिलेगा एक AMOLED पैनल और ये इसी साल लॉन्च होने वाली है 2020 में ही। और अगर आपको याद होगा Realme ने जब अपनी पहली वॉच लॉन्च की थी उससे पहले एक टीजर वीडियो आया था, उसमें एक स्मार्ट वॉच को यूज करते दिखाया गया था, और आई बिलीव तब मैंने ट्वीट भी किया था इसके बारे में, बट कंपनी ऑफिशियल उस टाइम पे कह रहे थे कि ये खाली रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए है, बट अब लग रहा है कि वही वॉच कहीं ना कहीं लॉन्च होने वाली है। और यस, Realme Watch S Pro का अगर आप वेट कर रहे हैं आपको अब ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। और उसके साथ Realme ने इसी इवेंट में एक और कंफर्मेशन हमें दे दी कि Realme का जो स्मार्ट टीवी था 55 इंच वाला BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे ऑलरेडी बाय द वे ये आ चुका है, ये भी इसी साल लॉन्च होगा और इसमें आपको मिलेगा एक वाइड कलर गैमट, 55 इंच का होगा, अच्छा खासा टीवी होगा। और कंपनी ने इसके लाइव शॉट्स वगैरह भी कुछ दिखाए थे, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, दिस इज व्हाट द Realme स्मार्ट टीवी 55 इंच इज गोइंग टू लुक लाइक। और आगे बढ़ते हैं Realme के TWS की बात करें, तो Realme ने अभी तक अपने TWS की पोर्टफोलियो में 3 TWS लॉन्च किए हैं, Realme Buds Air, Realme Buds Air Neo और Realme Buds Q। बट बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे Realme Buds Air Pro का, और सुनने में आ रहा था कि इनमें हमें ANC या एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन भी मिलेगी। फाइनली ऑफिशियली कंफर्मेशन हो चुकी है कि 2020 में ही Realme Buds Air Pro भी लॉन्च होंगे। इनका जो बाहर का केस होता है वो भी कंपनी ने ऑफिशियली टीज कर दिया है, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन भी हमें देखने को मिलने वाली है Realme Buds Air Pro में। अगर आप Realme Buds Air से सेटिस्फाइड नहीं है और अगर आपको ये प्रो वर्जन चाहिए था, आपको 2020 में ही ये भी देखने को मिलने वाले हैं।
और आगे बढ़ते हैं Realme की Narzo सीरीज की बात करें तो मैंने आपको कुछ टाइम पहले लीक करके बताया था कि Realme Narzo 20, Narzo 20 Pro स्मार्टफोन्स जल्दी ही लॉन्च हो सकते हैं एंड यस इसी महीने लॉन्च होने के चांस हैं या फिर एट मैक्स अगले महीने ये दोनों ही स्मार्टफोन्स लॉन्च हो जाएंगे। कंपनी ने ऑफिशियली बोल दिया कि Narzo 20 सीरीज इज कमिंग सून, कमिंग इन द फॉलोइंग मंथ, वैसे उन्होंने कहा था इस पर्टिकुलर कीनोट में Narzo 20 सीरीज कहा है, दैट सर्टेनली मींस खाली Narzo 20 तो नहीं आएगा, इसका एक प्रो वेरिएंट भी होगा, हो सकता है Narzo 20 आई कर दें वो इस चीज को, बट यस मेरे सोर्स की अगर माने तो आई बिलीव, मैंने दो तीन हफ्ते पहले ही इसके बारे में आपको बता दिया था Narzo 20 और 20 प्रो स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, यस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इंडिया में जल्दी ही ये दोनों स्मार्टफोन्स आने शुरू हो जाएंगे। Realme 7 सीरीज के बारे में आपको बोला था कि ये लीक करके बता दूंगा स्पेक्स वगैरह, Narzo 20 के बारे में भी आपको मैं वही प्रॉमिस नहीं बट यस मैं बोल रहा हूं कि जल्दी से आपको Narzo 20 सीरीज की स्पेसिफिकेशंस भी लीक करके मैं बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं आज की लास्ट न्यूज की तरफ एंड कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि OnePlus Clover स्मार्टफोन जल्दी ही लॉन्च होने वाले हैं जिसमें हमें मिलेगा एक Qualcomm Snapdragon 460 प्रोसेसर, एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन आने वाला है OnePlus की तरफ से एंड यस राइट अहेड ऑफ द लॉन्च OnePlus Clover अब लग रहा है कि Geekbench डेटाबेस वेबसाइट पे स्पॉट कर लिया गया। इसका मॉडल नंबर है OnePlus BE2012, प्रोसेसर यहां पे बंगाल यूज किया गया, कोड नेम है बट यस 460 प्रोसेसर ही होने के चांस है। 1.80 गीगाहर्ट्ज़ पे ये क्लॉक स्पीड होगी इसकी। 4GB RAM आपको देखने को मिलेगी OnePlus के इस Clover स्मार्टफोन में और Android 10 पे ऑफ कोर्स ये स्मार्टफोन रन करने वाला है। Geekbench स्कोर्स वैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, 245 सिंगल कोर स्कोर है और 1174 मल्टी कोर स्कोर है। Geekbench वर्जन 5 यूज किया गया यहां पे, सो स्कोर्स भी अकॉर्डिंगली है, दैट मींस Geekbench पे आ चुका है तो जल्दी ही हमें OnePlus का ये एंट्री लेवल Clover स्मार्टफोन मार्केट में देखने को मिल सकता है। और आज की वीडियो का पोल आप लोगों के लिए है कि आपको इन दोनों फ्रेंचाइजी में से कौन सी फ्रेंचाइजी ज्यादा पसंद है, मार्वल या डीसी। मेरी जो फेवरेट है आपको पता ही है, कुछ टाइम पहले भी मैंने ये एक बड़ी पोल किया था बट स्टफलेस सिंग्स आर्मी में नए मेंबर्स जुड़े हैं और मैंने कल ट्वीट करके इसके बारे में एक पोल किया था और मार्वल स्ट्रेट अवे जीत रहा था। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उस चीज से, मैं डीसी फैन हूं और मैं ओपनली बोलता हूं, बट स्टिल देखते हैं कि यूट्यूब फैमिली क्या कहती है। कम्युनिटी सेक्शन में जाके आप अपनी फेवरेट मार्वल या डीसी को वोट कर सकते हैं। और वीडियो में कपड़े से पहले कल का पोल देख लेते हैं। कल हमने आपसे पोल में क्वेश्चन पूछा था, विच स्मार्टफोन वुड यू लाइक टू परचेज, पोको M2 प्रो या Realme 7 प्रो। 74% लोग कह रहे हैं Realme 7 प्रो, 26% लोग कह रहे हैं पोको M2 प्रो, 5200 लोगों ने वोट किया था। तो क्लियरली नए स्मार्टफोन के लिए लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है और ऑफकोर्स Realme 7 प्रो में आपको मिलती है 65 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग और 720G प्रोसेसर है, प्लास्टिक बैक है, बट ठीक है यहाँ पे मेजोरिटी जो कह रही है, मैं आपको यहाँ पे रिजल्ट्स बता रहा हूँ, आप लोगों ने ही कहा है 74% लोगों ने कि आप Poco M2 Pro और Realme 7 Pro में से Realme 7 Pro स्मार्टफोन को लेना पसंद करते। अब मैंने आपको जो क्राइटेरिया दिया था दैट वाज ओनली द प्रोसेसर, तो यहां से क्लियरली एक और चीज पता चल रही है कि प्रोसेसर इज नॉट द ओनली थिंग। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार प्रोसेसर 720G है, 690 है, 460 है, ये है वो, इसलिए वो फोन ओवर प्राइस्ड है, बेकार है। तो उस हिसाब से तो फिर यार मेजोरिटी को Poco M2 Pro को वोट करना चाहिए था ना, थिंक अबाउट इट, मतलब सेम प्रोसेसर है दोनों स्मार्टफोन्स में, क्यों Realme 7 Pro को हमने वोट किया? अगर प्रोसेसर ही सब कुछ होता तो रिजल्ट्स मेरे हिसाब से उल्टे होते। और वीडियो खत्म करने से पहले कल के कमेंट्स पढ़ लेते हैं। रीटा शर्मा जी कह रही हैं Realme 7 वर्सेस Poco M2 Pro, विनर विल बी Poco M2 Pro इनके हिसाब से। 16 पीपल लाइक हर कमेंट और 17 लोगों ने कमेंट भी किया आगे से, सो गुड जॉब हियर व्हेन इट कम्स टू एंगेजमेंट। आदित्य जी आगे कह रहे हैं विल द रियलमी X7 सीरीज लॉन्च इन इंडिया। कल की अगर आपने IFA वाली इवेंट देखी होगी तो वहां से थोड़ी हिंट आ रही है कि रियलमी X7 सीरीज ग्लोबली लॉन्च हो सकती है। सो ग्लोबली अगर लॉन्च होगी तो आई सी नो रीजन एज टू वाई दे वोंट बी लॉन्चिंग द रियलमी X7 सीरीज इन इंडिया। एंड मैंने कुछ ऑफिशियल्स वगैरह, फ्रांसिस ने भी आई बिलीव ट्वीट पे लिखा था कि विल कंसीडर, हम मार्केट फैक्टर्स देखेंगे, अगर ओपिनियन लेंगे लोगों का, अगर इंटरेस्ट हुआ तो डेफिनेटली हम इसको लॉन्च करेंगे, ऐसा कुछ कहा था, पक्के से मुझे नहीं पता। जैसे ही मेरे को कुछ पता चलेगा रियलमी X7 सीरीज के इंडिया लॉन्च के बारे में, आई विल डेफिनेटली कीप यू पोस्टेड। महबूब शेख साहब कह रहे हैं नाइस टी शर्ट ब्रो, बाय द वे सुपर्ब कंटेंट, थैंक्स अ लॉट ब्रदर, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट, और आई होप आपको कंटेंट ऐसे ही आगे भी पसंद आता रहे। सो रोज आप टाइम पे आ जाया करिए और वीडियो देखा कीजिए। और आगे बढ़ते हैं कमेंटेटर ऑफ द डे की तरफ। शिवम कुमार जी कह रहे हैं कि मीडियाटेक हीलियो नहीं, मीडियाटेक डायमेंसिटी, मैंने हीलियो कह दिया था गलती से, आई एम रियली सॉरी फॉर द मिस्टेक, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं उसमें कहीं बड़ी गलती से ऐसे हो जाता है, गलती में इधर उधर निकल गया, स्टिल आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और 10:18 पे आई बिलीव आई शुड हैव सेड मीडियाटेक डायमेंसिटी, मैंने मीडियाटेक हीलियो बोल दिया वहां पे, सो वंस अगेन सॉरी फॉर दैट। और वीडियो खत्म करते हैं स्टफ यू शुड नो के साथ। दमनजीत सिंह साहब कह रहे हैं अ हॉर्स हैज मोनोक्युलर विजन which means that a different image is seen by each eye. Oh,
द हॉर्स सीज टू डिफरेंट पिक्चर्स एट द सेम टाइम, लव योर कॉन्टेंट, और बहुत सारे हार्ट और पपियां वपियां दे रखी है उन्होंने मेरे को, थैंक्स लॉट फॉर दैट ब्रदर। एंड घोड़े को अगर दो अलग अलग चीजें देखती हूँ, दो फोन यूज कर सकता है एक टाइम पे, अगर हम ऐसा कर पाते तो पता नहीं अच्छा होता कि बुरा होता, बट nevertheless this is some interesting stuff that we all should know. That means अगर एक बंदा घोड़े के इस साइड खड़ा है और दूसरा उस साइड खड़ा है, तो उसको दोनों अलग अलग दिख रहे होंगे, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है उसका। ऐसी चीजें हमारे स्मार्टफोन कंपनीज को भी इंप्लीमेंट करनी चाहिए। बाय द वे, क्या कहना आपका इस फैक्ट के बारे में? अगर आपको पता था इसके बारे में, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई नो सो, नहीं पता था तो दमनजीत सिंह जी के कमेंट को जाके आप एक थम्स अप दे सकते हैं। सो देयर यू गो गाइस, ये थे सुबह के टेक स्टफ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी। गॉड ब्लेस यू ऑल, पीस, सी यू एट 5:50। और आज शाम को संडे स्टफ के क्वेश्चंस भी हैं, उनके आंसर भी आप लोगों ने देने हैं। अब मैं बस जा रहा हूं, बस बहुत क्या और क्वेश्चंस देने हैं, आंसर मैं दूंगा। हां वही, रात को 12 बजे वीडियो शूट करो तो यही होता है। हां चलो, क्रिंज 200। ओके।